आपके साथ मैं हूं अनुजा। पूर्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े छात्र नेता कन्हैया कुमार मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए, जबकि गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवानी तकनीकी कारणों से पार्टी में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस के मंच से ही पार्टी को समर्थन की बात कर रहे थे। वहीं बता दें कि कन्हैया के भाकपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी महासचिव डी राजा ने कहा है कि कन्हैया कुमार ने खुद को भाकपा से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के साथ सच्चे नहीं थे। राजा ने कहा है कि उन्होंने खुद को पार्टी से निकाल दिया है। कन्हैया के पार्टी में आने से बहुत पहले ही भाकपा मौजूद थी और उनके जाने के बाद भी बनी रहेगी। कन्हैया पिछले दिनों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिल चुके हैं और पार्टी मानती है कि कन्हैया कांग्रेस के हाथ को मजबूत बनाएंगे। हालांकि कांग्रेस के अंदर ही इसके विरोध में परोक्ष आवाजें भी उठनी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर इसका संदेश दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि यह अटकलें हैं कि एक कम्युनिस्ट नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। चीजें जितनी ज्यादा बदलती है उतनी ही पहले की तरह रहती है, जबकि दूसरे ट्वीट में पंजाबी लोक कहानियों का उदाहरण देते हुए परोक्ष रूप से नेतृत्व को सतर्क किया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।